समाज सेवी भूरे चौधरी की सच्ची समाज सेवा बनी चर्चा का विषय। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सलेमपुर गोसाई में बीते समय कोरोना काल में अनाथ हुए 3 बच्चों का दुख जानने के लिए हर माह समाज सेवी भूरे चौधरी उनके घर जाते हैं और बच्चों के साथ दुख बांटते हैं। समाज सेवी भूरे चौधरी का कहना है कि जब तक मेरे खून का एक कतरा रहेगा तब तक मैं इन बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। हम आपको बता दें कि गजरौला से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर सलेमपुर गोसाई गांव में रहे बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो गए थे, जिनको लेकर बड़े बड़े वादे करने वाले सफेद पोष नेता व अपने आप को गरीबों के मसीहा बताने वाले लोगों ने कुछ समय तो उन बच्चों का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है वैसे ही उन बच्चों से लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। लेकिन समाज सेवी भूरे चौधरी अपने वादे के मुताबिक हर माह उन बच्चों के पास जाते हैं और उनके साथ उनका दुख बांटते हैं, साथ ही उनकी परवरिश के लिए भी कुछ अलग तरीके से ही उनकी मदद करते देखे जा रहे हैं। हालांकि अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए तो वर्तमान सरकार में भी कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए भी बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन महज कागजों में सिमट कर ही वह वादे रह गए। लेकिन सच्ची समाज सेवा करने वाले समाज सेवी भूरे चौधरी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। इस नारे के साथ वह समाज सेवा करते हैं और उनका कहना है, मैं उस रब का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं। समर इंडिया के लिए गजरौला से भरत सिंह की रिपोर्ट। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया।